इस पीरियोडिक टेबल से हम रिवीजन शुरू करते हैं बेटा और फिर आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बनाया उस वक्त, तकरीबन 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ फॉर्म किया और उस वक्त तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। लिहाजा मेंडलीव ने इन 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया और 56 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पहले इसने इनकी प्रॉपर्टीज और इनके एटॉमिक मासेस के दरमियान एक रिलेशन ऑब्जर्व किया। मेंडलीव ने एक रिलेशन ऑब्जर्व किया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और इनके एटॉमिक मासेस। इन एटॉमिक मासेस को हम एटॉमिक वेट्स भी कहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एटॉमिक वेट्स एटॉमिक मासेस एक ही बात है। पहले एटॉमिक वेट्स कहते थे, अब उसको एटॉमिक मासेस कहते हैं। लिहाजा उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में और उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान जो है वो एक रिलेशन ऑब्जर्व किया और उसके जरिए उसने पीरियोडिक लॉ बनाया। और इस पीरियोडिक लॉ के बाद मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया। तो इसकी जो स्टेटमेंट, जिसको हम पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, और इस पीरियोडिक लॉ के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मास। दो बातें यहाँ पर मेंडलीव ने कही कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन। दो चीजें आ गई बेटा, एक यहाँ पर आ गया पीरियोडिक और दूसरा आ गया यहाँ पर फंक्शन। ये दो चीजें होती हैं जिसको मेंडलीव ने मेंशन किया। एक इसने कहा पीरियोडिक और दूसरा उसने मेंशन कर दिया फंक्शन। अब इन दोनों बातों को हमें एक्सप्लेन करना है कि पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक वेट्स का या एटॉमिक मासेस का। पहले हम आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन के क्या माने? फंक्शन के माने आप ये कह सकते हैं क्या सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन अदर सब्सटेंस, या अगर दो हमारे पास चीजें, मैंने आपको मिसाल दी प्रेशर और वॉल्यूम की एग्जाम्पल ने, कि हमने बॉयल सॉ में पढ़ा कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, ओके क्या माने होंगे इसके कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आ जाएगी और अगर हम प्रेशर में कमी करेंगे तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। यानी वॉल्यूम जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर, ठीक है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, यानी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको मैथमेटिकली इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा कि फंक्शन के माने क्या होंगे? क्या लिखा मैंने आपके पास कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, यानी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर बढ़ा दोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? प्रेशर पर। इसी तरह मेंडलीव ने ये कहा कि एटॉमिक मासेस हैं और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट्स और मासेस, कि अगर हम एटॉमिक मासेस चेंज करेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, अगर एटॉमिक मासेस सेम रखेंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको रिवर्स देखें, इसके माने ये हुए कि अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो इसके माने ये हुए कि उसका एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस।
के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस का फंक्शन है, कि अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सेम रहेगा प्रॉपर्टी सेम। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है इट्स मीन दैट कि उसका एटॉमिक मास भी चेंज हो गया। ये तो पहला पार्ट हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट और मास। अब वर्ड है पीरियोडिक। पीरियोडिक के क्या माने हैं? देखो बेटा, पीरियोडिक के माने जो यहां पर लिए गए हैं ये मेंडलीव ने न्यूलैंड से अडॉप्ट किया। पीरियोडिक के माने पीरियोडिसिटी, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पीरियोडिसिटी। लिहाजा अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स को मिला लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मास, यानी अगर एटॉमिक मासेस चेंज होंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एज वेल एज एक खास टाइप के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। दोनों बातें बताई मेंडलीव ने कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को खास टाइम के बाद रिपीट करेगा, विच इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, और इसके साथ साथ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी उसके एटॉमिक मासेस पर। एटॉमिक मासेस चेंज होंगे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एटॉमिक मासेस सेम रहेंगे प्रॉपर्टी सेम रहेगी, या अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएशन आ रही है तो इसके माने ये हुए कि उसका एटॉमिक मास भी चेंज हुआ होगा। ये अंडरस्टूड बात बताई उसने। उसके बाद के खास टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, जिसको पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी कहा गया। लिहाजा मेंडलीव ने पहली मरतबा एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस उनकी प्रॉपर्टीज के दरमियान एक रिलेशन ऑब्जर्व किया, एक लॉ प्रोपोज किया जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और क्या था ये? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसमें याद रखना कि मेंडलीव ने जब ये लॉ 1869 में प्रोपोज किया तो उस वक्त 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। लिहाजा उसने इन एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज किया। इस अरेंजमेंट को जिसमें हम सब्सटेंसेस को या एलिमेंट्स को हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज करते हैं, इसे हम नाम देते हैं टेबुलर फॉर्म का। लिहाजा न्यूलैंड की तरह, मैंने आपसे कहा था कि न्यूलैंड ने ऑल दो के उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन न्यूलैंड ने जो बातें कही थी वो आगे इस्तेमाल की गई। लिहाजा न्यूलैंड की तरह मेंडलीव ने जो है वो एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है, जो ऐसा चार्ट जिसमें टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, उस चार्ट को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। लिहाजा मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और इस अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म के माने क्या? हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, उस हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं पीरियड का, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। लिहाजा मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज किया, यानी पीरियड्स की शक्ल में और ग्रुप की शक्ल में उसने उसको अरेंज किया। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को पीरियड कहा जाएगा और वर्टिकल अरेंजमेंट को नाम देंगे हम ग्रुप्स का। लिहाजा मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, वो थोड़ा सा उसको अब चेंज कर दिया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें मेंडलीव की हैं, कुछ चीजें मॉडिफाइड की गई हैं। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो उस वक्त ये सारी बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लिहाजा मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया
इस पीरियोडिक टेबल में उसने 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, और आज भी पीरियोडिक टेबल में 8 ही वर्टिकल कॉलम्स हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया। फिर इसने कुछ हॉरिजेंटल रॉज बनाई। बेसिकली मेंडलीव का जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसमें नियर अबाउट 12 हॉरिजेंटल रॉज या 12 पीरियड्स थे, लेकिन अब जो मॉडर्न हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसमें शेल्स के लिहाज से KLMNOPQ इसके लिहाज से जो नंबर ऑफ शेल्स के लिहाज से 7 पीरियड्स रखे गए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ाएंगे तो उसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शेल के लिहाज से 7 पीरियड्स है, लेकिन मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया देयर आर सेवरल हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स, देयर अबाउट 12 पीरियड्स थे। अब इस तरह मेंडलीव ने कॉम्प्रीहेंसिवली क्या किया कि इसने पहले लॉ बनाया और इस लॉ के बाद इसने इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। इन एलिमेंट्स को उसने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली। जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसे पीरियड कहेंगे, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसे ग्रुप का नाम दिया जाएगा। लिहाजा 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, सेवरल उसने पीरियड्स या हॉरिजेंटल रॉज बनाई, और इन रॉज में तकरीबन 12 कहते हैं, लेकिन बहरहाल अब नाउडेज देयर आर 7 पीरियड और 7 हॉरिजेंटल रॉज। अब जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जब उसने फॉर्म कर लिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया, तो उसमें कुछ हमें उसके एडवांटेजेस या मेरिट्स नजर आए और कुछ हमें उसके अंदर जो है डिसएडवांटेजेस और उसके अंदर कुछ डीमेरिट्स हमें नजर आए। अब हम पहले आज डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस को, उसके बाद हम आ जाएंगे डिसएडवांटेजेस पर। ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है बेटा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और सम टाइम्स ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर पूछे जाते हैं अलग अलग, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से भी एक पार्ट बनता है अक्सर जो है उसमें से सवाल, जो मेजर क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 में वो मेंडलीव के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, और इसके अलावा जो है वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशन, और एक सवाल आइडेंटिफिकेशन का जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये इसके मेजर क्वेश्चन। तो पहला मेजर पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स को हम कहते हैं एडवांटेजेस। सबसे पहली बात, मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, इन एलिमेंट्स के लिए इसने जनाब इसने सबसे पहला पॉइंट इसने प्रिडिक्शन की अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। देखिए अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेंडलीव जब ये लॉ प्रोपोज कर रहा था तो उस वक्त 56 एलिमेंट्स मौजूद थे, लिहाजा एक आम परसेप्शन क्या है कि इन 56 एलिमेंट्स जो 56 एलिमेंट्स हैं ये 56 एलिमेंट्स को अरेंज करे साइंटिस्ट, लेकिन मेंडलीव ने सिर्फ 56 एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया बल्कि इसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की भी बात की जो अनडिस्कवर्ड थे, उस वक्त मिसिंग थे, नहीं पता था, और इसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस रखे, एम्प्टी स्पेसेस रखे, और जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर्ड होंगे उनके मुताल्लिक उसने बातें बताई। उसने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेंशन की। प्रॉपर्टीज के माने क्या बेटा, कि उसने सबसे इंपॉर्टेंट उसने एटॉमिक मास बताया कि अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास ये होगा, उसका कलर ये होगा, उसकी डेंसिटी ये होगी, ये सारी बातें मेंडलीव ने मेंशन की। यानी उसने एलिमेंट्स अरेंज किए और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के दौरान उसने जो है वो क्या किया, कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए, और उस वैकेंट स्पेसेस के अंदर उसने आने वाले एलिमेंट्स की, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखी। अब देखिए जरा, मेंडलीव लेफ्ट सर्टेन गैप्स इन पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड। ही प्रिडिक्टेड देयर एटॉमिक वेट्स एंड प्रॉपर्टीज। दीज एलिमेंट्स
were discovered later on and found to possess the properties according to his prediction. ऑप्शन एलिमेंट्स में जो प्रिडिक्शन की थी उसके मुताबिक वो एलिमेंट्स अरेंज किए गए. फॉर एग्जाम्पल मेंडलीव लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस बिलो सिलिकॉन इन द ग्रुप फोर्थ एज मिसिंग एलिमेंट. ही नेम्ड दिस एलिमेंट एज एका सिलिकॉन. एका मींस फर्स्ट, यानी इसने फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन के साथ कुछ एम्प्टी स्पेसेस रखे और उस एम्प्टी स्पेस में एलिमेंट का नाम उसने रखा एका सिलिकॉन और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी एंड प्रिडिक्टेड टू इट टू बी अ ग्रेश वाइट अनरिएक्टिव मेटल विद एटॉमिक मास ऑफ अबाउट 73. ये देखिएगा मेंडलीव के वक्त में ग्रुप फोर में सिलिकॉन था. सिलिकॉन के बाद उसने क्या किया, सिलिकॉन के बाद उसने एक एम्प्टी स्पेस रखा कि जो एलिमेंट्स इस वक्त 56 एलिमेंट्स मौजूद हैं इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस स्पेस में आ सके. तो उसने इसको खाली छोड़ दिया, उसे उसने एका सिलिकॉन का नाम दे दिया कि सिलिकॉन के साथ ही एलिमेंट आएगा और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या लिखी कि ये जनाब ये ग्रेश वाइट एलिमेंट होगा, मेटल होगा और इसका एटॉमिक मास होगा 53. अब तकरीबन 15 to 20 years के बाद विंकलर ने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया. उस एलिमेंट का कलर ग्रेश वाइट था, वो एलिमेंट मेटल था और उसका एटॉमिक मास था 72.6 जो अप्रोक्सीमेटली 73 के बराबर है. ये बात 1869 में मेंडलीव ने वाजे की थी, ये बात बताई थी 1869 में मेंडलीव ने और 1886 के अंदर जो है ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ जो मेटल. मेंडलीव ने कहा था मेटल होगा, ग्रेश वाइट होगा, एटॉमिक मास 73. तो इसका एटॉमिक मास 72.6, ग्रेश वाइट और मेटल और इस एलिमेंट का नाम रखा गया जर्मेनियम. तो याद रखिएगा जर्मेनियम को हम एका सिलिकॉन कहेंगे. ठीक है, जर्मेनियम को हम क्या नाम देंगे, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा जाएगा. एका को हम आफ्टर भी कह सकते हैं, आफ्टर सिलिकॉन. लिहाजा जर्मेनियम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एका सिलिकॉन. विंकलर ने इसे डिस्कवर्ड किया था. तो इस तरह इसने कुछ मिसिंग एलिमेंट्स जो हैं जो उस वक्त अनडिस्कवर्ड थे मेंडलीव ने उसकी प्रिडिक्शन की. और सिर्फ ये नहीं कि उसने स्पेस छोड़ दिया बल्कि उसने उस स्पेस में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी मेंशन की. एक बहुत बड़ा काम था उस वक्त जब साइंस की इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी. अब देखें 1869 में ये काम हो रहा था और जो साइंस प्रॉपरली आगे बूस्ट हुआ है वो 1890 से आप समझ लें कि साइंस बूस्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीजें, अब रेडियो एक्टिविटी आ गई, एक्स रेज की डिस्कवरी हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमें अंदाजा हो गया. मेंडलीव के वक्त में एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं पता था. उस वक्त इन चीजों को बताना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मेंडलीव ने इसे बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली किया. इसके बाद और आप देखें जरा, और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के अंदर, इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आप देखें तो मेंडलीव ने जो है एक और एलिमेंट की बात की, एका एलुमिनियम. ही प्रिडिक्टेड, इसने क्या किया, लेफ्ट, सिमिलरली मेंडलीव लेफ्ट एम्प्टी स्पेस बिलो एलुमिनियम फॉर अनदर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड नेम्ड एज एका एलुमिनियम. ही प्रिडिक्टेड इट्स एटॉमिक मास 68 which were later discovered and named gallium with atomic mass 69.9. yani Mendeleev ne aluminium ke baad ek empty space chhod diya, aluminium ke baad ek usne empty space chhod diya aur ye bataya ki jo elements ab tak maujood hain usme se koi aisa element nahi hai jo is empty space mein aa sake. लिहाजा उसने ये कहा कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास होगा 68. उसकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से
यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास 68 होना चाहिए, और आफ्टर 20 इयर्स एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ जिसका एटॉमिक मास 69.9 ऑब्जर्व किया गया, प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली वही थी जो मेंडलीव ने मेंशन की थी। इस एलिमेंट का नाम गैलियम था और ये आज भी एल्यूमिनियम के बाद प्लेस्ड है। यानी मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शन की, मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट की 1869 में, ऑलमोस्ट वो एलिमेंट्स आज भी उसी पोजीशन पर मौजूद हैं साइंस की इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद। यानी मेंडलीव ने एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया। इसके बाद आ जाएं, एक और एलिमेंट है जनाब, ये अनदर मिसिंग एलिमेंट प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव वाज एक बोरॉन फॉर विच मेड अ गैप बिलो बोरॉन एंड प्रिडिक्टेड और इट्स एटॉमिक मास एज 44। दिस एलिमेंट लेटर डिस्कवर्ड इन द नेम ऑफ स्कैंडियम विद एटॉमिक मास 43.8। तो इस तरह आप देख सकते हैं मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को जो है उनकी प्रॉपर्टीज बताई, उनका एटॉमिक मास बताया और कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के मुतालिक मेंशन किया, और इस तरह से मेंडलीव ने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स से उनकी प्रॉपर्टीज बताई उनके लिए स्पेस वैकेंट छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा काम था मेंडलीव का, जिसने आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें एक ट्रैक प्रोवाइड किया। इसके बाद आते हैं, मेंडलीव ने कॉन्सेप्ट दिया पीरियोडिसिटी का, ठीक है ना। एक्सेप्ट इग्नोरिंग सर्टेन एनोमलीज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओवरऑल शो अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के माने क्या है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट भी हो रही है। जैसे उसने बताया कि जब हम एलिमेंट्स, मैंने आपसे क्या बताया बेटा कि मेंडलीव ने दो मेजर चीजें थी, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली अरेंज किया और वर्टिकली अरेंज किया। हॉरिजेंटल को हम कहते हैं पीरियड, हॉरिजेंटल को हम कहते हैं पीरियड, वर्टिकल को हम कहते हैं ग्रुप। अब इसने क्या बताया कि जो पीरियड में एलिमेंट्स होंगे विद इंक्रीज एटॉमिक मास वेट्स इन अ पीरियड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी चेंज ग्रेजुअली। अब इसने जो बात मेंशन की कि जब एलिमेंट्स में हम पीरियड वाइज देखते हैं, पीरियड हम कहते हैं हॉरिजेंटल रॉस को, यानी अब लेफ्ट टू राइट जब एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जो डिस्कशन होती है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, उसे हम कहते हैं पीरियड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स हैं उसे हम कहेंगे पीरियड। जब एलिमेंट्स को हम पीरियड वाइज देखते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, क्योंकि जब हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड में हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें पहला एलिमेंट है लिथियम, लिथियम के बाद अब आ जाएंगे ब्रेलियम, ब्रेलियम के बाद हम आ जाए तो उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद जो है वो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। ये एक ही जो है वो रॉ के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और इसे हम नाम देते हैं पीरियड का। लिहाजा जब हम पीरियड में आगे जाते हैं तो इनके एटॉमिक मासेस में इजाफा होता है। जब पीरियड में आगे जाएंगे तो इनके एटॉमिक मासेस में इजाफा होता है, लिहाजा उस इजाफे की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस हैं। वो एक स्पेसिफाइड चेंजेस होती है, वो हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स हम कहेंगे वर्टिकल कॉलम्स को, एक ही कॉलम के अंदर जिसको आप ग्रुप कहते हैं, कॉलम को ग्रुप कहेंगे, एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, ऑल्दो वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि ग्रुप, एक ग्रुप की मिसाल लें हम, तो ग्रुप में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो लिथियम है, लिथियम के बाद जो है वो सोडियम है, सोडियम के बाद जो है वो पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है,
उसके बाद जो है वो सीजियम है, और इसके बाद एक एलिमेंट होता है फ्रेंशियम। ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जो केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम की है, जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही सोडियम की होगी, वही पोटेशियम की होगी, वही रुबिडियम की होगी, वही सीजियम की है, और वही जो है वो फ्रेंशियम की है। हालांकि ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम है। एक बात यहाँ पर करने, हम आगे जाके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक बात ही ध्यान में रखना बेटा कि अब एक एलिमेंट चेंज हो रहा है, बिकॉज लिथियम के बाद जो सोडियम आया तो ये पीरियड चेंज हो गया। लिथियम बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, जब सोडियम पर आओगे तो एक पूरी रॉ कंप्लीट करके हम आएंगे तो सोडियम आ गया थर्ड पीरियड में। इसके बाद आ जाए पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या आ गया फोर्थ पीरियड में। फिर आ जाए रुबेडियम, रुबेडियम आ गया फिफ्थ पीरियड में, सीजियम आ गया सिक्स पीरियड में, और फ्रेंशियम आ गया सेवेंथ में। तो पीरियड चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसको समझने की कोशिश करना कि पीरियड चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा लिथियम सेकंड पीरियड में, उसके बाद नेक्स्ट सोडियम, सोडियम आठवां एलिमेंट है लिथियम से। आप जब जाएंगे पीरियड में तो सोडियम आठवां एलिमेंट होगा, लेकिन सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो लिथियम की प्रॉपर्टीज से सिमिलर है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट, ठीक है ना, लिथियम के बाद इसका नंबर आठवां है, लेकिन या नाइन्थ एलिमेंट, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, रिपीट हो गई, इससे हम नाम देंगे पीरियोडिसिटी का। लिहाजा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए उन एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी का उसने कॉन्सेप्ट दिया, ऑल्दो के कॉन्सेप्ट दिया था न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंसिवली और सक्सेसफुली जो है वो मेंडलीव ने इसको यूज किया और यूज करके अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया। इसके बाद मेंडलीव ने जनाब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की इसने करेक्शन की, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की इसने करेक्शन की, जैसे कि एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे वो पहले जो मालूम किए गए थे वो सही नहीं थे। अच्छा, उस वक्त जो मालूम कर लिए गए, जो शुरू में एटॉमिक मासेस डिसाइड कर लिए गए, ये चीजें चलती चली गई, लेकिन जब मेंडलीव ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया, एक कॉम्प्रिहेंसिव उसने लॉ बनाया, और इस लॉ के बाद उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, उसने एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज को उसने एडजस्ट करना शुरू किया, तो उसने देखा ये कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो, जिनका एटॉमिक मासेस जो हैं वो करेक्ट नहीं है। जो एटॉमिक मासेस हैं इसके लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, या जो इनकी प्रॉपर्टीज बनती है इसके लिहाज से उन एलिमेंट का एटॉमिक मास वो नहीं आ रहा, बिकॉज उसने पहले ये बात जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी कि एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं। अगर एटॉमिक मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, यानी जो एटॉमिक मास है हर एटॉमिक मास की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर एलिमेंट जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो सोडियम के 23 एटॉमिक मास के लिहाज से इसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगी, वो इसके एटॉमिक मास के लिहाज से होगी। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, तो पोटेशियम के एटॉमिक मास के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज होगी। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, तो लिथियम के एटॉमिक मास के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज होगी। ओके, लिहाजा अब अगर एली बोरॉन है या सीजियम है या गोल्ड या प्लाटिनियम, तो इनकी जो एटॉमिक मासेस थे वो एटॉमिक मासेस के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज है मैच नहीं कर रही थी। लिहाजा मेंडलीव ने,
मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिहाज से एटॉमिक मासेस की करेक्शन की और फिर उसके बाद उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मेंडलीव ने, मैंने आपसे अभी तुम्हें ये कहा कि एक्चुअली उस वक्त इतनी ज्यादा साइंस मॉडिफाइड नहीं थी, लिहाजा अगर मेंडलीव कोई मिस्टेक करता तो जब साइंस मॉडिफाइड होती हो गई तो मेंडलीव के एटॉमिक मासेस और जो भी उसने चेंजेस की थी वो दोबारा से रिज्यूम हो जाती, कि वो चेंजेस हट जाती। लेकिन क्योंकि मेंडलीव ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया, इस वजह से आज भी जो एटॉमिक मासेस ने चेंज किए वो आज भी उसी जगह पर है। जो उसने एम्प्टी स्पेसेस रखे थे, वैकेंट स्पेसेस रखे थे और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की बात की थी, वो एलिमेंट्स आज भी वहां पर मौजूद हैं और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो हैं वो उसी पोजीशंस पर हैं। बहुत सारे एलिमेंट जो पोजीशन जो है वो मेंडलीव ने मेंशन की थी। तो अब देखिएगा, जो हमने आज के लेक्चर में जो बातें डिस्कस की हैं, मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर दूंगी, अगर अगला टॉपिक अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा फिर सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि मेंडलीव ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक लॉ आज प्रपोज किया, जिसमें उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मासेस का रिलेशन दिया। उस रिलेशन में उसने बात मेंशन की कि एटॉमिक मासेस में और उसके प्रॉपर्टीज के दरमियान एक पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक मासेस चेंज होने के साथ साथ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं, तो जब उसने अपने इन एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक लॉ दिया और साथ में ये बताया, पीरियोडिक ध्यान में रखिएगा कि खास टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, लिहाजा इसके बाद मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में, पीरियड की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में। जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसको पीरियड कहते हैं, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसे ग्रुप का नाम दिया जाता है। हॉरिजेंटली जो मेंडलीव के सेवरल पीरियड से नियर अबाउट 12 और जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए उसने वो 8 थे, आज भी 8 ही कॉलम्स या ग्रुप्स हैं लेकिन पीरियड्स की तादाद में चेंज किया गया। अब इसके एडवांटेजेस जो टेबल बनाया, एडवांटेजेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसने बताई, तो उसमें सबसे पहली बात कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की करेक्शन की। मेंडलीव ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की करेक्शन की, कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस इनकरेक्ट थे, मेंडलीव ने उनकी करेक्शन की और उनके एटॉमिक मासेस को सही करके लिखा। अब ये कैसे सही किया, तो वो एटॉमिक मासेस जो हैं उसने उनकी प्रॉपर्टीज देखते हुए कि जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के लिहाज से एटॉमिक मास जो वो चेंज हो रहा है, लिहाजा उसने एटॉमिक मासेस की करेक्शन की। इसके बाद उसने एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और पीरियोडिसिटी में बार बार आपसे कह रहा हूं कि पीरियोडिसिटी के माने क्या है, कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। लिहाजा मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए उनमें पीरियोडिसिटी मौजूद है। अगर ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो ग्रुप वाले एलिमेंट में तमाम एलिमेंट जो किसी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और आगे जाके आप देखेंगे कि उन सब एलिमेंट्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो सेम है। जब आगे मॉडर्न लॉ के बाद डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी, बिकॉज मेंडलीव के टाइम में जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेंडलीव ने 56 की जगह ज्यादा एलिमेंट्स अरेंज किए, हालांकि उस वक्त 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे लेकिन मेंडलीव ने 56 से ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। बिकॉज वो प्रॉपर्टीज अरेंज कर रहा था तो उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेसेस रखे और उन स्पेसेस में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेंशन की। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में After 20 years, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे गया जिस पोजीशन पर जो है मेंडलीव ने उसको उसके लिए जगह छोड़ी थी। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। अब इसमें कुछ बातें भी हम आपसे और डिस्कस करते हैं, कल हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो है वो पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा ये